लगा
वजह से नया दे गए मोहे बेकली सी ले गए वो रच्चे हाँ चलिए बजा तो सही इस प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या है, कौन आर्टिस्ट हैं और आज की शूट करने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। इसका टाइटल है मोना होम डिलीवरी। ये जर्नी ऑफ प्रोस्टिट्यूट, एक धंधे वाली की कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसकी सात स्टोरी हैं। ये बेसिकली एक वेब सीरीज़ है मोना होम डिलीवरी, एक गरीब लड़की की। ये एक उल्लू ऐप आ रहा है उसके लिए हम कर रहे हैं और इसमें बहुत ही कमाल के सारे एक्टर हैं। आज की जो हमारी कहानी है वो खरौंच है और मोना प्ले कर रही है कंगना शर्मा, जो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है और विजय राज के साथ। इसमें विजय राज हैं, राजपाल यादव जी से बात चल रही है, जाकिर हुसैन है, सब बड़े बड़े एक्टर एक एक स्टोरी कर रहे हैं। तो कब तक अवेलेबल होगा ये? मतलब ये 15 तारीख को प्लान कर रहे हैं वो लोग लॉन्च करने का। अच्छा, और कितने पार्ट्स हैं? 7 एपिसोड हैं। अच्छा, हाँ, सीरीज है, सीजन 1 7 एपिसोड का है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट है, कितना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल नजर आ रहा है? बेनिफिशियल है क्योंकि थोड़ा हटके है, समाज का आईना हमने मोना के रूप में रखने की कोशिश की है। अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है प्रोड्यूसर को? एड्स भी प्रोड्यूस करते, काफ़ी हाँ, तो नहीं बहुत बढ़िया है। मैं पहली बार कर रहा हूँ लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा प्रोडक्शन हो, चाहे यशराज हो चाहे धर्मा हो, सब लोग वेब सीरीज़ बना रहे हैं, तो मैं भी इसमें देखो कोशिश प्रयास किया है। मेरी अभी फिल्म भी रिलीज़ हुई है गेम पे, ऐसा लड़की, अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उसके बावजूद ये सब है। मेरे इसमें एक को राइटर है, मेरे दोस्त हैं, पार्टनर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी मुझे ज्वाइन करें। छवि 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 कहाँ है? बहुत मेहनत की है
क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? विजय राज जी जैसे टैलेंटेड एक्टर हैं, कंगना जी हैं, और भी बात चल रही है राजपाल जी से, और क्या क्या कहना चाहेंगे किस तरह से? देखिए, हाँ देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में बहुत अलहदा प्रोजेक्ट है, है ना, जहाँ पे कि हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट जो एक्टर्स हैं वो हर एपिसोड में है। 7 एपिसोड्स की कहानी है, और एक जो किरदार है जो मोना जो टाइटल रोल कर रही हैं, वो इन सारे पात्रों को जोड़ती हैं, है ना, हर एक से कनेक्टेड हैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक एपिसोड में अपना एक अलग रंग है, है ना, कहीं कॉमेडी है तो कहीं रोमांस है, है ना, तो ये चीज़ें हैं इसमें। और साजन जी के हमने क्या करना चाहेंगे? मैंने फिल्म भी प्रोड्यूस, अरे नहीं, साजन भाई के साथ तो वर्किंग अनुभव इतना अच्छा रहा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और मैं साजन भाई आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, है ना, कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट मुझे ऑफर किया, तो हमने साथ में ही मिलके इस पे काम किया है। और एक एक राइटर को बहुत संतुष्टि मिलती है जब वो मेहनत जो है रंग लाती है, है ना, जिस तरीके से हमने कंसीव किया था ये कैरेक्टर, जिस हिसाब से ये पूरा डिज़ाइन किया था, उस हिसाब से जब उतरता है, है ना, पर्दे पे, तो काफ़ी संतुष्टि मिलती है। तो आज शूटिंग में जब हम लोग थे यहाँ पे, जो हम लोग देख रहे हैं, तो काफ़ी हम लोग संतुष्ट हैं बीइंग अ राइटर। क्या बोलते हैं सर? बिल्कुल, मैंने बोला, बहुत मजा आ रहा है। लास्टली ये पूछना चाहूँगा कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर शाहरुख तक भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वेब सीरीज, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना पॉजिटिव चीज़ है ये, मतलब वेब सीरीज मीडियम के लिए? 100% पॉजिटिव है, क्योंकि हमने इसको ऐसे ही प्लान नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी हमने रिसर्च करने के बाद में इसको प्लान किया है, क्योंकि आइडियाज़ तो हमारे पास बहुत सारे थे, और दूसरी चीज़ हमने इस चीज़ को ये ध्यान में रखा कि अगर हम वेब सीरीज बनाएंगे, है ना, तो वो सबसे जुदा हो, क्या ऐसी यूएसपी हो, है ना। तो हमारे जहन में ये नहीं था कि शाहरुख भी बना रहे हैं या ऑड भी बना रहे हैं या बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बना रहे हैं, हमने सारे सीरीज को देखे हैं। हमने कोशिश ये की है कि भीड़ चाल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम अगर आप देखेंगे तो मोस्टली सेक्स परोस रहे हैं या इस तरह की, मतलब कॉमन ही मैं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर सीरीज में देख रहा हूँ। आप जब इसको देखेंगे तो मैं ये भरोसा दिला सकता हूँ कि आप खुद कहेंगे कि ये जितनी भी सीरीज चल रही है आज, है ना, ये सबसे अलायदा है, सबसे डिफरेंट है। और दूसरी बात हमारे दिमाग में था कि आज आप इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस के सामने अपने आप को अगर आपको प्रूफ करना है, क्योंकि हमने भी बहुत टाइम दिया इंडस्ट्री को, काफ़ी काम किया, तो अपनी बात कहने के लिए अभी मीडियम, आपको तो पता है हमारी फिल्म रिलीज हुई है 350 सिनेमा, एक तरफ 12,000, 10,000, 8,000 सिनेमाओं में आमिर खान, शाहरुख खान सबकी पिक्चरें लगती हैं, 300 सिनेमा में हम अपनी बात कैसे लोगों तक पहुँचाएँ? तो मुझे लगता है कि अभी तो मोबाइल, आपको पता है परसेंटेज क्या हो चुका है, तो शायद हमारी बात इसके थ्रू हर किसी के पास पहुँचे। थैंक यू।